alaikum dear students. Today is lecture number twelve of class metric subject to mathematics. So in lecture number eleven we have done uh, some points, some topic of exercise two point four. So now we are going to start exercise number two point five and some topic of that exercise. So with the start topic of uh, that exercise is concept of radical and square root of positive real number. तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट रेडिकल का क्या कॉन्सेप्ट होता है और स्क्वायर रूट जो होता है किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स का क्या निकलता है तो स्क्वायर रूट हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में स्क्वायर रूट के बारे में और रेडिकल साइन के बारे में हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन जनरल फॉर पॉजिटिव रियल नंबर क्यू द स्क्वायर रूट ऑफ क्यू विल बी अंडर रूट क्यू अगर जनरल में कोई पॉजिटिव रियल नंबर क्यू सपोज करते हैं उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उस क्यू का स्क्वायर रूट जो होगा वो रेडिकल क्यू होगा और इन नोटेशन यहाँ पे इन नोटेशन लिखा है इन नोटेशन अंडर क्यू या रेडिकल क्यू इज़ कामा रेडिक दिस नोटेशन वी से रेडिकल साइन इस नोटेशन को हम रेडिकल साइन कहते हैं तो रेडिकल क्यू इसका मकसद है रेडिकल यहाँ पे जो निशानी है या इस नोटेशन इस को हम रेडिकल साइन कहते हैं और क्यू जो है इस अंडरूट में इसको स्क्वायर uh, रूट कहते हैं तो एंड क्यू इज़ अ रेडियंट यहाँ पे जो स्क्वायर रेडिकल साइन के अंदर होगा क्यू या कोई भी रियल पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर उसको हम रेडियंट कहेंगे और इस साइन नोटेशन को हम रेडिकल साइन कहेंगे और सारे अंडरोट क्यू या रेडिकल क्यू को हम इसका स्क्वायर रूट कहेंगे तो हैंस अंडर रूट आर रेडिकल साइन क्यू स्टैंड फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर एक्स फॉर वुच यहाँ पे अंडर रूट क्यू या रेडिकल क्यू रेडिकल क्यू स्टैंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर इसको हम पॉजिटिव रियल नंबर कहेंगे यो रेडिकल साइन uh, में कोई भी रेडियंट होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा देन x फार वुच यहाँ पे अगर रेडिकल q इज़ इक्ल टू एक्स करेंगे यहाँ पे रेडिकल q इज इक्वल टू एक्स करेंगे अगर उसका रेडिकल ख़त्म करना हो उसको स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे यहाँ पे रेडिकल और वन अपान टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वह बराबर हो जाएगा रेडिकल q इज़ इक्ल टू एक्स स्क्वायर के तो ये जो रेडियंट साइन होती है इसको हम वन अपॉन टू के बराबर भी रख सकते हैं यहाँ पे अगर लिखा जाए ये रेडियंट की साइन है और यहाँ पे अगर रेडियंट कोई भी किसी भी नंबर के ऊपर ख़त्म करके वन अपॉइंट टू रखें या वो रेडियंट की निशानी रखें बात बिल्कुल सेम है क्योंकि ये रेडियंट इज़ इक्वल टू है वन अपॉइंट टू नंबर पावर यहाँ पे जो आएगा वो इसके बराबर वन अपॉइंट टू आएगा इसी तरह हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे आपको समझ में आ जाएंगे नाउ स्टूडेंट्स देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर रूट की तो सबसे पहले प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट की यह है कि रूट या स्क्वायर रूट ऑफ ए टू एक्स अगर कोई स्क्वायर रूट ऑफ ए करते हैं वो बराबर सपोज करें एक्स के होता है तो अगर उसकी स्क्वायर हल करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इस तरफ से अन रूट बराबर वन अपॉइंट टू के होता है और पावर स्क्वायर तो दोनों आपस में कैंसिल हो सकते इसको इस तरह भी कर सकते हैं वन अपॉइंट टू और इसको स्क्वायरिंग किया टू 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 में ख़त्म भी हो सकता है तो देट इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट तो दैट नंबर पॉजिटिव रियल नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर देन अदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर दो सेम रेडियंट हो या रेडियंट uh, दोनों सेम हो तो उनका स्क्वायर रूट सेम होगा क्योंकि वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू विच इज़ इक्वल टू वन तो जब बेस सेम होते हैं हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ कर आए हैं अगर बेस सेम हो तो उनके पावर्स आपस में एड होते हैं इसी तरह यहाँ पे वन अपॉइंट टू रेडियंट साइन रेडिकल साइन इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू देन वन अपॉइंट टू प्लस वन टू बेस बराबर हैं तो ए रखेंगे वन अपंट टू प्लस वन टू करेंगे तो वन आएगा सो दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट सो नाउ देर इज अनदर प्रॉपर्टी नंबर थ्री यहाँ पे बेस uh, सेम थे यहाँ पे अगर बेस मुख्तलिफ़ हों रेडियंट साइन हो दोनों के ऊपर तो ए मल्टीप्लाई एंड रूट बी इज इक्ल टू ए बी यहाँ पे अगर बेस डिफरेंट हो तो दोनों स्क्वायर रूट या रेडियन साइन में आएंगे इसी तरह देर इज़ एनदर प्रॉपर्टी नंबर फोर अंडर रूट रेडिकल साइन ए डिवाइडेड बाय रेडिकल साइन ए तो रेडिकल साइन ए और रेडिकल साइन ए आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं क्योंकि बेस इनके सेम हैं कैंसिल भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक और जो है वे भी है डिफरेंट मेथड भी है इसको अप्लाई करेंगे क्यों ए बराबर ए जो है रेडियन साइन वन अपंट टू ए पावर वन पॉइंट टू इस रेडियन वन पॉइंट टू के ऊपर चले जाएंगे तो माइनस आएगा ए वन अपॉइंट टू माइनस वन पॉइंट टू माइनस वन टू करेंगे तो यहाँ पे Uh, जो आएगा वो वन आएगा माइनस वन अपॉइंट टू और प्लस वन अपॉइंट टू कैंसिल हो जाएगा ए पावर जीरो उच इज़ इक्वल टू वन सो यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं डायरेक्टली और दूसरे मेथड के तहत पावर्स ऊपर चले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा ए पावर ज़ीरो इज इक्वल टू अगेन ज़ीरो के आ जाएगा एंड अदर प्रॉपर्टी इज ए रेडिकल अपॉन ए इज इक्वल टू रेडिकल ए रेडिकल ए तो यहाँ पे ए को हम रेडिकल ए मल्टीप्लाई रेडिकल ए भी कर सकते हैं क्योंकि रेडिकल ए और रेडिकल ए जब आपस में दो बेस सेम हो उनके रेडिकल अप्लाई होंगे पावर्स उनके ऐड होंगे तो अगेन ए पावर वन आएगा जवाब तो इसी तरह खाली या ए को हम रेडिकल ए मल्टीप्लाई अन रूट ए करेंगे और डिवाइडेड बाय अन रूट ए अपनी जगह पे तो अन रूट ए अन रूट ए में आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो जो जवाब आएगा एक का अन रूट बच जाएगा अंडर रूट ए आएगा इसी तरह ये नीचे है इसको अगर ऊपर ले जाएं ए को नीचे ले जाएं तो देर जे प्रॉपर्टी बनती है वो नंबर सिक्स प्रॉपर्टी नंबर सिक्स प्रॉपर्टी अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय ए तो अंडर रूट ए यहाँ पे अपनी जगह पे ए को हम दो मरतबा बेस को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ए मल्टीप्लाई तो अगेन सेम ए आएगा तो एक एक में कैंसिल अंडर रूट ए अंडर रूट ए में कैंसिल तो वन अपॉन अंडर रूट ए वन रूट ए तो दिस इज़ अ नंबर सिक्स प्रॉपर्टी इसी तरह नंबर सेवन प्रॉपर्टी यहाँ पे बेस दोनों डिफरेंट होंगे अनरूट ए डिवाइडेड बाई अनरूट बी इज इक्वल टू अनरूट ए डिवाइडेड बाई अनरूट बी सो बेस डिफरेंट होने की वजह से अनरूट दोनों पे इकट्ठे आएगा इसी तरह नंबर एट प्रॉपर्टी है यहाँ पे ए अन रूट बी प्लस सी रूट बी तो इज इक्वल टू ए प्लस सी अंड रूट बी तो यहाँ पे दो जो यहाँ पे इनके क्वेश्चन हैं आपस में एड होंगे ए प्लस सी और रूट बी बेस सेम है इनका तो बेस अपनी जगह पे सेम है सपोज कीजिए यहाँ पे टू रूट थ्री होता प्लस टू फोर रूट थ्री होता तो टू प्लस फोर करते तो सिक्स आता अंडर रूट थ्री अपनी जगह पे सेम रहता देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट टॉपिक रेडिकल एंड स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई नंबर वन इज एग्जाम्पल इज हियर टू प्लस सिक्स तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल दिया है जो प्रॉपर्टी नंबर सेवन थी अप्लाई करनी थी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर एट थी अन रूट ए अन रूट बी प्लस अन रूट सी प्लस सी अन रूट बी वाली तो ए प्लस सी एड करते हैं अन रूट बी अपनी जगह पर तो इसी तरह यहाँ पे टू अंड्रोड थ्री प्लस सिक्स अंडरोड थ्री तो यहाँ पे सिक्स प्लस टू करेंगे सिक्स प्लस टू अनुड थ्री अपनी जगह पे रखेगा सिक्स प्लस टू करेंगे तो एट आएगा तो एट अनुड थ्री इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल इसी तरह देर इज एन अदर एग्जाम्पल सिंप्लीफाई एट मल्टीप्लाई अंड्रोड ट्वेल्व तो स्क्वायर रूट ऑफ एट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेल्व करेंगे तो दोनों को आपस में देर बहुत बेस डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर बेस दोनों डिफरेंट है यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा दोनों को अंदर रखेंगे स्क्वायर uh, रूट के तो एट मल्टीप्लाई ट्वेल्व करेंगे नाइन्टी सिक्स आएगा अब नाइन्टी सिक्स का करेंगे स्क्वायरूट नाइन्टी सिक्स के करेंगे फैक्टर्स तो सिक्सटीन मल्टीप्लाई सिक्स करेंगे सिक्सटीन इसका सिक्सटीन अलहदा करेंगे मल्टीप्लाई सिक्स अलहदा करेंगे तो सिक्सटीन मल्टीप्लाई सिक्स तो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट निकलता है फोर और अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता सो वी कैन दैट आल्सो इस तरह भी कर सकते हैं सेकंड मेथड ये भी है कि डायरेक्टली हम दोनों को इकट्ठे करें और एट और ट्वेल्व के स्क्वायर सॉरी फैक्टर्स निकालें फैक्टर्स निकाल के हम पेयर्स की सूरत में टू टू और टू टू uh, अपनी जगह पे रखें तो पेयर्स आएंगे दो मल्टीप्लाई दो फोर अंडर रूट सिक्स अपनी जगह पे सेम आएंगे सो so, डायरेक्टली हम uh, कर सकते हैं डायरेक्टली इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं फैक्टर्स निकाल के भी हेल्थ कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके उनके फिर फैक्टर्स निकालें तब भी कोई मसला नहीं तो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दैट टॉपिक सो योर असाइनमेंट डियर स्टूडेंट्स योर असाइनमेंट ऑफ दिस लेक्चर इज यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज फाइव टू पॉइंट फाइव तो आपको एक्सरसाइज 2.5 पॉइंट करनी है और ग्रुप में वो असाइनमेंट जमा करवानी है थैंक यू डियर स्टूडेंट्स टू लिसन दिस लेक्चर